और उधर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं और घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। घने कोहरे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी जीरो हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को सड़कों पर वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है और मौसम विभाग की ओर से भी जो है अगले कुछ दिनों तक राहत ना मिलने की उम्मीद जताई गई है। तो लोग जो है घने कोहरे से काफी परेशान हैं। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है और लोग आग का सहारा ले रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज धीमान लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, किस तरह की स्थिति है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से तो आने वाले कुछ दिनों तक राहत ना मिलने का पूर्वानुमान लगाया गया है कि जो मौसम है इसी तरह जारी रहेगा, इसी तरह लोगों को कोहरा परेशान करता रहेगा। बिल्कुल तमन्ना, देखिए जिस तरह से ये मौसम बेईमान बना हुआ है, ना तो बारिश हो रही है और ना ही ये कोहरा खत्म हो रहा है। मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में सुबह और शाम धुंध का कहर जो है वो बरपता है। धुंध में विजिबिलिटी कम हो जाती है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि जो घरों से निकलने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनको भी अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने ये भी जताया था कि 17 और 18 तारीख को जो है वो पहाड़ी जो इलाके हैं यानी कि ऊपरी क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है। तो पिछले कल भी यहां पर बादलों ने तो धौलाधार की पहाड़ी को घेर लिया था, वहां बर्फबारी हो गई, लेकिन नीचे मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ। आज सुबह भी वही हाल है, मौसम बिल्कुल साफ है और बादलों का नामो निशान नहीं है। तो ऐसे में अगर ये ठंड इसी तरह बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और अगर बर्फबारी और बारिश ये दोनों ही नहीं होते हैं तो किसानों के चेहरे भी मायूस हैं, क्योंकि उनकी गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है, सिंचाई व्यवस्थाएं ठप पड़ी हैं। ऐसे में बारिश पर जो ये किसान निर्भर है, इनको कहीं ना कहीं जो है इनकी जो गेहूं की फसल है वो अब पीली पड़ना शुरू हो चुकी है। तो अगर बारिश नहीं होती है और पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं होती है तो होगा क्या कि जो ग्लेशियर हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ जो आने वाला गर्मियों का मौसम है उस मौसम में पीने के पानी का संकट भी गहरा सकता है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर बारिश नहीं हुई तो इस बार जो गर्मी का सीजन आएगा उसमें कहीं ना कहीं आपको पीने के पानी की समस्या भी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो जनवरी महीने में अक्सर देखा गया कि जो धौलाधार के पर्वत हैं ये पहाड़ से ढके हुए नजर आते, बर्फ से ढके हुए नजर आते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल खाली हो चुके हैं। ऐसे में पर्यटन व्यवसाय पर भी इसका अच्छा खासा जो है असर देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर बारिश हो जाए तो जो बीमारियां फैल रही हैं उन बीमारियों से भी बचा जा सकता है। बारिश नहीं हो रही है इसके चलते जो है उस सूखी ठंड पड़ रही है और सूखी ठंड पड़ने से कहीं ना कहीं लोग बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों में लंबी लाइनें लगी हैं। तो इंतजार है बारिश का, लेकिन अभी मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है कि अगले 10 दिनों तक बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं है, तो कहीं ना कहीं चिंताएं भी अब बढ़नी शुरू हो गई है। तमन्ना जी, मनोज बिल्कुल। तो जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो क्या पहाड़ी इलाकों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पर इसका असर दिखाई दे रहा है? क्या लेट लतीफी ट्रेनों की या बसों की वहां पर भी देखने को मिल रही है? तमन्ना, देखिए जहां तक कोहरे की बात है तो कोहरा मैदानी इलाकों में ज्यादा देखा जा रहा है और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां कोहरा नहीं होता है। ऐसे में जो निचले क्षेत्र है यानी कि मैदानी क्षेत्र, अगर आप ऊना की बात कर लीजिए, हमीरपुर की बात कर लें या फिर अन्य जो जो जिले हैं उनकी बात कर लें जो मैदानी इलाकों के साथ सटे हुए हैं, वहां कोहरे की ज्यादा मार है। या जहां बड़ी बड़ी डैम है, नदियां हैं, वहां पर अक्सर जो है वो कोहरा देखने को मिलता है और धूप वहां गायब हो जाती है यानी कि धूप नहीं निकल पाती है। तो ऐसे में जिला कांगड़ा की बात करें तो जिला कांगड़ा में अच्छी खासी विजिबिलिटी है और कोहरा जो है यहाँ बहुत कम पड़ता है। तो तमन्ना, जिन क्षेत्रों में कोहरा पड़ रहा है उन क्षेत्रों में स्कूलों के टाइमिंग भी जो है उसको भी बदल दिया गया है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। तो अगर ये बारिश हो जाती है तमन्ना, तो सारे का सारा मसला ही हल हो जाएगा कि ये कोहरा भी बैठ जाएगा और ये धुंध जो छा रही है धुंध भी हटती हुई नजर आएगी। और एक समस्या जो बनी हुई है इस वक्त वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत लंबा ड्राई स्पेल चला गया है, ये 20 साल के बाद ये ड्राई स्पेल देखने को मिला है और काफी लंबे समय से जो है वो बारिश नहीं हुई है और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है तो बारिश का। हो सकता है कि अब लोग जो है वो इंद्रु नाग देवता की पूजा करने भी जाएं ताकि बारिश हो सके। तमन्ना जी, मनोज बिल्कुल। तो क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों के लिए कोई खास एडवाइजरी हिदायतें जारी की गई है
क्योंकि जिस तरह से मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो घना कोहरा पड़ रहा है और उससे स्वास्थ्य पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ रहा है, तो क्या कोई खास एडवाइजरी महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए जारी की गई है? तमन्ना, देखिए स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी कोई एडवाइजरी तो जारी नहीं की है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो एस्थमेटिक है यानी कि दमे की बीमारी के मरीज हैं उनके लिए ये ठंड जो है काफी खतरनाक होती है, तो ऐसे में वो सुबह और शाम जो है वो आग का सहारा ले सकते हैं, आग सेकते हुए नजर आ रहे हैं और ये ठंड लगातार प्रचंड होती जा रही है, यानी कि कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा ठंड जो है वो बढ़ रही है। कल देर शाम को जो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई उसके बाद कहीं ना कहीं शीतलहर जो है वो चल रही है, यानी कि अगर बर्फबारी होती है तो शीतलहर नीचे निचले क्षेत्रों में ज्यादा फैल जाती है, तो इसमें बीमारी का खतरा ज्यादा बना रहता है क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती है, जब गाड़ियां सड़कों से निकलती है धूल मिट्टी उड़ती है और उससे इंफेक्शन हो जाता है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि अपने आप को खुद ही आपने सुरक्षित करना है। सर्दी जुकाम और बुखार ये मेजर बीमारियां इन दिनों जो है वो जिला कांगड़ा या अन्य क्षेत्रों में फैल रही हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, कुछ ठंड है, ठंड ज्यादा है, ऐसे में इससे निपटारा करने के लिए लोग आग सेक सकते हैं और क्या कर सकते हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ठंड जो है वो काफी ज्यादा है, तो इससे बचा जा सकता है, लेकिन बारिश हो जाए तो कहीं ना कहीं बीमारी से भी निजात मिल जाएगी। मनोज बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कुल्लू से हमारे संवाददाता मनीष ठाकुर भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनीष, जिस तरह से घना कोहरा मैदानी इलाकों में पड़ रहा है, कितना असर इसका कुल्लू में दिखाई दे रहा है, क्या आम जनजीवन पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है कुल्लू में? बिल्कुल तमन्ना, देखिए लगातार जो है वो मौसम जो है वो शुष्क बना हुआ है, ऐसे में अगर बात की जाए तमाम जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जो है वो कोहरा छाया हुआ है, वहीं इसका असर जो है वो पहाड़ों पर भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरों की अगर बात करूं तो मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं, इस वक्त हम देख सकते हैं जो तमाम जो पहाड़ है वो धुंध से छाए हुए हैं, हालांकि लगातार जो आगजनी घटनाएं यहां पेश आ रही थी, आगजनी घटनाओं से जो है वो काफी नुकसान पूरे जिला भर में देखने को मिला था, ऐसे में तमाम जो इलाके हैं वो धुंध से छाए हुए हैं, तमाम जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल कम हो गई है, जो यहां से अगर दूसरी तरफ की तस्वीरें देखें तो आप देख सकते हैं किस तरीके जो है वो जो धुआं है वो यहां पर छाया हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो मौसम को लेकर जो लोगों के इंतजार है बारिश का बर्फबारी का वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लगातार जो है वो बारिश बर्फबारी का जो अंदेशा है वो मौसम विभाग की ओर से जताया गया था, लेकिन अभी तक बारिश बर्फबारी यहां पर नहीं हुई है, ऐसे में जो शुष्क ठंड है उसका सामना लोगों को यहां पर करना पड़ रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो खराब मौसम के चलते लोगों को जो किसानी है बागवानी है उसके लिए भी काफी इंतजार करना पड़ रहा है, साथ ही अगर बात की जाए तो बीते कल हल्की बारिश जो बर्फबारी जो जरूर यहां पर हुई थी लेकिन उतनी अधिक मात्रा में पर्याप्त नहीं थी, ऐसे में कहीं ना कहीं जो काफी नुकसान है वो यहां पर किसानों बागवानों को करना पड़ सकता है। जी तमन्ना, जी मनीष बिल्कुल, तो इस तरह का सीजन है, पिछले साल के सीजन के मुकाबले इस बार के ठंड में इस बार के जो मौसम में कितना बदलाव दिखाई दे रहा है पिछली बार के ठंड के मुकाबले, इस बार ठंड कितनी पड़ी है, कितना तापमान में गिरावट इस बार दर्ज किया गया है? देखिए अगर बीते सालों की बात की जाए तो बीते सालों में जो बारिश है बर्फबारी है वो पर्याप्त मात्रा में लगातार हो रही थी, ठंड की अगर बात की ठंड जो है वो लगातार ऐसे ही पड़ती है, लेकिन इस बार जो है वो शुष्क ठंड पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं बीमारियां जो है वो यहां पर फैलती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर बीते साल की बात की जाए तो बीते साल जो है बारिश हुई थी बर्फबारी हुई थी पर्याप्त मात्रा में, जो फसलों के लिए बारिश बर्फबारी वो यहां पर हो रही थी और ऐसे में किसानी बागवानी को काफी फायदा हुआ था, लेकिन इस साल जिस तरीके से मौसम का रुख जो बदला हुआ है तो कहीं ना कहीं जो किसान है बागवान है पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हैं उन्हें यहां पर नुकसान होता हुआ नजर जरूर आ रहा है। जी मनीष बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।